स्वतंत्र दिवस पर विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य रविंद्र के द्विवेदी के नेतृत्व में मुंबई के अंधेरी पश्चिम पुराना महाड़ा से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष युवराज भाऊ, महाराष्ट्र महासचिव नारायण श्रीपत रेवागड़े, मुंबई अध्यक्ष जैन साहब, मुंबई महिला अध्यक्ष छाया ठाकुर, वर्सोवा विधानसभा अध्यक्ष रोशन जोशी, उपाध्यक्ष अजय सिंह, कार्यालय प्रमुख सुभाष यादव व हजारों कार्यकर्ता और रिक्शे और गाड़ियों के साथ शामिल हुए। देखिए मुंबई के अंधेरी से हमारी यह रिपोर्ट।
एसबीपी नगर चार बंगला माला से यात्रा निकली हुई है और ये समापन होगी सात बंगला से यू टर्न लेकर के हम लोग मॉडल टाउन से वापस एसबीपी नगर में ही समापन करेंगे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से देश भर में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और आप अच्छे कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, समाज सेवा में आगे आ रहे हैं, उसके बारे में जरूर देखिए। ये जो गणराज्य हमारा बना है भारत, इसमें लाखों लाखों लोगों ने साथ दी है और सब देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उस समय साल में कम से कम एक बार हमारे शहीदों के नाम पर उनको याद करें और जो खुशियां उन शहीदों ने अपनी जान निछावर देकर के की है, हमें दी है, वो उनको हर व्यक्ति का, देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उनको याद करें। और हम गणराज्य में जिस तरीके से आज स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हैं, हमें संविधान मिला आज के दिन, तो हमें एक खुशी है और एक खुशी मनाने का हक हर व्यक्ति का है और हर नागरिक को कर्तव्य बनता है कि ये खुशी मनाए और ऐसी आपके हाथ में एक ये हमारे हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया है, लव जिहाद और लैंड जिहाद मुक्त मुंबई। तो उस ये है करीब तो उसके बारे में पर्चा बनाया गया है, तो सारे हिंदू संगठन मिल करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं दादर में और उसी का ये पर्चा है। इसके अलावा सर आज बसंत पंचमी भी है, मैं आज हमारे देश में दो त्यौहार हैं, एक तो हमें आज के दिन गणतंत्र संविधान मिला और दूसरा आज हमारा जो मौसम चेंज होता है बसंत पंचमी जिसको कहते हैं, तो मैं देश के सभी नागरिकों को बसंत पंचमी के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अलावा आपको जो है यात्रा में बहुत सारे रिश्ता है, मुझे खुशी है कि सारे लोग आज इस पर्व पे हमारे साथ हैं, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी, ये सब खुशी की बात है कि हम रिक्शे से लेकर टेम्पो वाले तक हमारे साथ हैं। इसके अलावा युवाओं को क्या संदेश देंगे, युवा पीढ़ी है? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से हमारे युवा वर्ग ज़्यादातर नशे की ओर झुक रहे हैं तो वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने भविष्य को खराब न करें, ताकि हमारा उज्ज्वल हमारा नाम हो। इसके अलावा सरकार को संसदों को आदेश देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और इस तरीके से निर्माताओं को पिछड़े नहीं बनानी चाहिए जिससे समाज श्रेष्ठ हो और खराब हो, क्योंकि निर्माताओं के भी बच्चे हैं, आज नहीं तो कल उनके बच्चों में भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि देश में कोई भी ऐसी पिक्चर ना बने जिससे समाज का अहित हो।